मध्य प्रदेश में कोरोना से जंग के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार से सोमवार तक संपूर्ण जिलों में 60 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की, जिसके चलते दतिया जिला पूर्णतः लॉकडाउन के आगोश में समा हुआ है। वहीं इसी के साथ एक अलग ही नज़ारा सामने आया, जहां लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी एवं मजाक बनता हुआ दिखाई पड़ा। मामला दतिया जिला मुख्यालय से 85 किलोमीटर दूर बसे कस्बे का है, जहां डीजे की धुन पर जुलूस और चल समारोह निकाला गया। इस जुलूस और चल समारोह में महिला और पुरुष दोनों डीजे की धुन पर थिरकते हुए और झूमते हुए नजर आ रहे थे, जिनके मुंह पर ना तो मास्क था और ना ही किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंस। अचरज की बात तो यह है कि जब कलेक्टर के आदेश के अनुसार पूरा दतिया जिला में लॉकडाउन लगाया गया है, तो बसई कस्बे में आखिरकार चल समारोह का आयोजन कैसे हो गया? क्या वहां पर पुलिस प्रशासन तथा प्रशासनिक अधिकारी वहां पर लॉकडाउन का पालन नहीं करा रहे, या वहां पर इस आयोजन की अनुमति दी जा रही है? यह अपने आप में सवालिया निशान है। क्या करें, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, ऐसी तस्वीर जो लॉकडाउन को मजाक बना रही है। जानकारी के मुताबिक बसई कस्बे में सड़कों पर बेखौफ घूम रहे महिला पुरुष डीजे की धुन पर नाचते गाते दिखलाई पड़े, और यह आयोजन बसई ग्राम के पूर्व सरपंच के भाई ने चल समारोह निकालकर कलेक्टर के लॉकडाउन की हवा निकाल दी। वहीं कलेक्टर साहब दावा कर रहे हैं कि हमारे द्वारा की जा रही अपील से लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। वहीं स्थानीय व्यक्ति का कहना है कि जिले में पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा। अब देखना है कि मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। हमको तो नहीं लगता कि ये लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि शहर में अनेक जगह छोटे मोटे कार्यक्रम चल रहे हैं और गलियों में मोहल्लों में बच्चे खूब निकल रहे हैं रोडों पर, और जबकि गली मोहल्लों में यहाँ अपने यहाँ छोटे छोटे चल समारोह भी चल रहे हैं। इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए, तभी लॉकडाउन का असर देखने को अपन को मिलेगा। और आबकारी दुकान बंद होने के कारण गली मोहल्लों में आम गलियों में खुलेआम दारू बिक रही है, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है और न प्रशासन इन दारूखोरों को पकड़ रहा है। तो इसको रोकने के लिए और सख्ती की जरूरत है। और सख्ती करेंगे, निश्चित तौर से करेंगे। हम लोग डेली ही सख्ती बढ़ाते जा रहे हैं, फाइन बढ़ाते जा रहे हैं। अगर जिन दुकान से एक बार हमने 500 रुपये फाइन किया है, तो नेक्स्ट टाइम हम 1000 कर रहे हैं। इसके बाद भी नहीं मानेंगे तो हम दुकान ही बंद कर देंगे। कुछ दुकानें बंद की भी है, आगे भी करेंगे। कोई 151 या खुली जेल जैसी भेजने की भी कोई कार्रवाई का विचार है? खुली जेल कोई वैधानिक वो नहीं है, बट अनौपचारिक तौर से कई जगह ये प्रक्रिया ट्राई की गई है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ लोग अपील से ही काफ़ी पालन कर रहे हैं, जो थोड़ी बहुत लापरवाही है उसको उसी स्टडी से दूर कर देंगे। थैंक यू। दतिया से यूडी न्यूज के लिए रविंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट।